हैं एग्जाम टोर चैनल पर। और आपसे बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आप लगातार प्रश्न कर रहे थे, उस सभी प्रश्न को शामिल किया गया है। और संपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपका आधार कार्ड से संबंधित था या एनसीएल से समस्या था या 6 to 8 को लेकर जो वैकेंसी आने वाली है उससे जो प्रश्न है, सभी प्रश्न को इसमें शामिल करेंगे। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको मार्क्स को लेकर समस्या था उस पर भी चर्चा करेंगे नवीन सर से। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और आपका इसके बावजूद भी कोई सुझाव होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, सबसे बड़ा प्रश्न अभ्यर्थी के द्वारा ये किया जा रहा है कि क्या ग्रेजुएशन में कोई अभ्यर्थी का यदि 50 से कम है तो वो जो वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप पूरा एक लिस्ट तैयार करके रखे हैं जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। जैसे सबसे पहला प्रश्न अभिषेक जी का है कि ग्रेजुएशन में अगर 50% से कम मार्क्स अगर है तो 6 to 8 या अदर 9, 10, 11, 12, तो मैं तो 6 to 8 की ही बात करेंगे कि उसको आप भर सकते हैं कि नहीं। तो निश्चित रूप से अगर आपका 50% से कम मार्क्स है तो डायरेक्ट 6 to 8 का आप नहीं भर सकते हैं। आप उसी कंडीशन में 6 to 8 का भर सकते हैं अगर साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपका है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है तो यहाँ आप भर सकते हैं निश्चित रूप से जी। नहीं तो आप 50% से कम में नहीं भर सकते हैं। अब सर, जो ये एग्जाम चल रहा है अभी, इसमें सुधार करने के लिए बोला गया है, सबसे पहला प्रश्न अभ्यर्थी के मन में ये था, क्योंकि एक नया सेक्शन से लेंगे एक पुराने वाले जो एग्जाम शिक्षक भर्ती में, वो लोग बोल रहे थे कि जो 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सुधार का मौका दिया जाएगा उसमें क्या हम अपना एनसीएल लगा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस चेंज कर सकते हैं, या जाति आय निवास में मेरा कहीं गलती हो गया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको लेकर सर आप क्या कहिएगा? चेंज तो कभी नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसमें है क्या कंडीशन है कि अगर एनसीएल की बातें हैं तो आप ऐसा नहीं है कि पुराने एनसीएल को छोड़ करके अगर कुछ उसमें गलतियां हो गई है तो कंप्लीट नया एनसीएल बनवा के दे दीजिएगा, तो ऐसा अपलोड नहीं होगा उसमें। होगा क्या कि जैसे कि जो आप अपलोड किए हैं वो क्लियर नहीं है जी, मोहर उस पर नहीं, मोहर क्लियर नहीं दिख रहा है, सिग्नेचर डिजिटली सिग्नेचर आपका नहीं दिख रहा है, उस परिस्थिति में उसी एनसीएल को दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं जी। अगर 100 केबी खोजता है ना, 100 केबी से कम पर अगर आपका अपलोड हुआ है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोबारा से 100 केबी पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें छेड़छाड़ नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी करेंट का एनसीएल दीजिएगा तो 1-1.5 महीना पहले आपका, 2 महीना पहले फॉर्म भराया गया है और इधर 15 दिन पहले एग्जाम हुआ है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा कंडीशन ही उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए वो संभव नहीं है। जो भी अभ्यर्थी ये प्रश्न कर रहे थे, मैं उनको यही जवाब दिया था कि आप दोबारा यदि अपलोड करिएगा तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा या आपका जो अभ्यर्थित्व है उसको रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका आवेदन करने से पहले का होना चाहिए। सर, इसमें एक समस्या आ रहा है, बहुत सारे ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं जिनको देवी लिखा जाए या कुमारी लिखा जाए, उस जगह पर कुमार हो गया है या देवी के जगह पर कुछ और हो गया है, या उनके फादर्स नेम में एनसीएल में आय जाति निवासी इन सारे चीजों में गलती हो गया है, उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं? नहीं, उस कंडीशन में साथ में एफिडेविट बनवा सकते हैं, वो जिस समय वेरिफिकेशन होगा वो उस समय काम करेगा, वो कंप्लीट उसको आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, वो एफिडेविट बनवा करके आप रख सकते हैं। सर, बहुत अभ्यर्थी का ये कमेंट था, चूंकि इससे पहले देखा गया तो 9, 10 और 11, 12 का जब हुआ तो उसमें पार्शियली वेरिफिकेशन लिखा गया, तो वहां इस कंडीशन में लिखा जाता था, कोई अभ्यर्थी क्या करता था, यदि मैट्रिक का जो मार्कशीट अपलोड करना है वहां इंटर का हो गया हो या इंटर का मार्कशीट के जगह पर ग्रेजुएशन का हो गया, इन सारे चीज में जो गलती होता था, क्या कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका यदि एनसीएल सही अपलोड हुआ है लेकिन उनका जो अभी सीरियल नंबर है या इश्यू डेट है उसमें एरर है? नहीं, वो सब सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन दिया है कि राजपत्रित पदाधिकारी से आपका सिग्नेचर मोहर जो उससे रिलेटेड कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा किया जा सकता है। सर, 6 to 8 में जो अदर अभ्यर्थी हैं, जैसे अदर स्टेट के हैं, चूंकि इस बार स्टेट भी दिए हैं वो लोग, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो उनका कहना है कि यदि सीटेट हो गया, सीटेट में यह हो गया या स्टेट हो गया, तो उनको जनरल का कट ऑफ पार करना पड़ेगा, यदि जनरल कट ऑफ से मार्क्स कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते।
नहीं, उसमें कंडीशन यही होगा कि जैसे कि अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो जैसे ही बिहार में इन करेंगे तो वो जनरल में काउंट होगा, तो वैसी परिस्थिति में हमको भी बहुत सारे अभ्यर्थी का महिला हो या पुरुष हो कॉल आता है कि सर 90 नंबर से अगर हमारा सीटेट में कम मार्क्स है तो जिस तरीके से बिहार में 82 नंबर प्लस वाले को जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उसको अलाउ किया गया है तो क्या उसका लाभ हमको मिल सकता है? तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है। आपको 90 अथवा 90+ मार्क्स आपका होना ही चाहिए तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको बता दिया जाए कि केवल बिहार में जो बिहार के आवासीय महिला हैं यानी कि बिहार के जो निवासी महिला हैं उनको छूट मिलेगा, वह जनरल में हो या SC ST में हो या EBC में हो, बाहर की महिलाओं को भी छूट नहीं मिलेगा। सर सबसे बड़ा समस्या इसमें यह हो रहा है, इसमें 3 कैटेगरी के शिक्षक बनेंगे जो 6 to 8 वाले, 6 to 8 वाले, तो इसमें यदि सर देखा जाए तो यदि कोई विद्यार्थी जैसे 6 to 8 के लिए प्रतिष्ठा में किसी किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में यदि उनका इंग्लिश है या हिंदी है उस समय वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रास्ते हैं? नहीं, इस मामले में जैसे कि 2019 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, तो हमको लगता है कि उस अधिसूचना के आलोक में अगर देखा जाए तो वहां पर स्पष्टतया ये कहा गया है कि प्रतिष्ठा विषय अथवा सहायक विषय के रूप में अगर आपका लैंग्वेज पेपर है तो उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि 6 to 8 में अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पूरा हो रहा है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दो तरीके से पूरा हो रहा है, दो तरीके का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स किया है साथ में सब्सिडी में पॉलिटी है और इंग्लिश भी है तो निश्चित रूप से उसके पास दो कॉम्बिनेशन बना, वो हिस्ट्री और पॉलिटी से भी SST में फॉर्म भर सकता है, दूसरा इंग्लिश चूंकि उसका सहायक विषय के रूप में है तो इंग्लिश को भी 6 to 8 में मुख्य विषय के रूप में ले सकता है और 80 नंबर वहां इंग्लिश से ही पूछा जाएगा, 40 नंबर सामान्य GS से पूछा जाएगा, तो ये भी एक ऑप्शन बनेंगे। अदर स्टूडेंट भी अगर जिनका की मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो रहा है, कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन सहायक विषय के रूप में अंग्रेजी हिंदी या अदर लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को 6 to 8 में रखें तो मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में कंपटीशन का लेवल बनिस्पत सोशल साइंस के बनिस्पत यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर उसका लाभ उठा सकता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट हो अगर सब्सिडरी पेपर में हिंदी अथवा इंग्लिश है तो 6 to 8 में आप लैंग्वेज पेपर के रूप में उसको आप रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। सर जिस तरीका से देखा जा रहा है ये वैकेंसी समाप्त होगी और तुरंत अगला वैकेंसी दे दिया जाएगा और उसमें इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी गए और अपना जो जो वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं या कराने वाले हैं 1 to 5 वाले, यदि जो अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरने वाले हैं उनको यदि डॉक्यूमेंट्स बनवाने की बात आए तो जिस कैटेगरी में है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को चुस्त दुरुस्त कर लेना चाहिए और जो भी उनका प्रमाण पत्र है यदि ओरिजिनल नहीं है तो वो कोशिश करें कि ओरिजिनल निकालें। और दूसरी बात सर सबसे बड़ा समस्या हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके जैसे फादर्स नेम में किसी में नाथ है लेकिन नाथ में स्पेस नहीं है, किसी में स्पेस है, इन सारे चीज को लेकर या आधार कार्ड में कोई गलती है तो वो कैसे बच्चे कर सकते? नहीं, इस बीच में जिनको आगामी वैकेंसी फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के पहले चूंकि अभी समय है तो सुधार आधार कार्ड में भी सुधार हो सकता है और आप संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो संबंधित विभाग से उसको आप सुधार कर सकते हैं और कर ही लेना चाहिए, नहीं तो बाद में चल करके ज्यादा परेशानियां होती है। इसलिए के सारा डॉक्यूमेंटेशन चूंकि अभी ताजा अनुभव है कि 1 to 5 का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, 9th, 10th, 11th, 12th का चल रहा है तो सारा मामला क्लियर है कि कौन कौन सा आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है तो जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसको इस बीच में तैयार कर लें और अगले वैकेंसी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि 15 अक्टूबर के आसपास कभी भी नया 1 लाख+ वैकेंसी देखने को मिल सकता है जिसमें 6 to 8 से 52,000+ वैकेंसी रहेगी और 9 to 12th के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी से मुश्किल से 2 महीने का समय मिलेगा, इस बीच में छात्रों को भी चाहिए कि चूंकि इससे आसान नौकरी अभी दूसरा नहीं मिलने जा रहा है जिस स्टूडेंट के पास इसके लिए एलिजिबिलिटी है तो अच्छे से लगे अपने सिलेबस को समझें और उस हिसाब से तैयारी करने में लगे, लेकिन 6 to 8 चूंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी वहीं पर रहेंगे और BEd वाले बच्चे अभी 1 to 5 मार खा के बैठे हुए हैं तो सब अलर्ट मोड में अभी बैठे हुए हैं, उनको हम कहना चाहेंगे जिस तरीके से 1 to 5 का अभी क्वेश्चन का लेवल दिया गया तो निश्चित रूप से 6 to 8 के लिए
अगर वो तैयारी करते हैं तो 6 to 8 तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि अपना लेवल आपको +2 और ग्रेजुएशन लेवल तक लेकर के जाना है, नहीं तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे, ये बात आप तय मानिए। और दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि चूंकि प्लेटफॉर्म के द्वारा भी अब कल परसों 2 दिन हम यूट्यूब पर नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर मैराथन टाइप से जिस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है हम एक क्लासेस देने वाले हैं, उससे भी बहुत कुछ आपको आइडिया आएगा। और बाकी 22 तारीख से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हमारा एक ऑनलाइन बैचेज आ रहा है और मिनिमम फी में है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि 6 to 8 के लिए हम 12th लेवल तक और ग्रेजुएशन लेवल तक खाली मैथ की बात हम करेंगे तो 3 टीचर खाली मैथ उसमें पढ़ाएंगे, साइंस की बात उसी तरीके से सब सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक के द्वारा एकदम अपर लेवल तक, लोअर लेवल से एकदम अपर लेवल तक 2 महीना में हम कोशिश करेंगे उसको बेस्ट अपना देने का। बाकी हमारा सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी पर सेंटर है, अभी कोई भी 6 to 8 में एडमिशन लेते हैं मैक्सिमम बच्चे का भी कम्बो हो जाता है, 9 to 10th भी है, 6 to 8 भी है, कितना का 11th 12th भी है, तो एक बैच में एडमिशन लेंगे दूसरा बैच 100% उनको फ्री मिलेगा, एक पैसा भी दूसरे बैच में नहीं लगेगा और ऑनलाइन एक्सेस सब बैच का फ्री मिलेगा और कंप्लीट आपको 40 मार्क्स का जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है उसका भी ऑनलाइन एक्सेस कंप्लीट फ्री मिलेगा 22 तारीख तक, ये हमारा ऑफर है, चाहे तो इसका 100% हमारा ऑफलाइन मोड में भी लाभ उठा। सर एक प्रश्न महिला लोगों का था, चूंकि जब नोटिफिकेशन आया उस समय दिया गया कि जो भी महिला है या लड़की है जो शादीशुदा है वह अपना जो आवास निवास जो होता है या आय जाति जो भी होता है वह अपने फादर्स नेम्स के द्वारा बनाएंगे, लेकिन फिर कुछ समय बाद आया नोटिस कि आप अपने पति से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें लेकर अभ्यर्थी को कंफ्यूजन है जो महिला अभ्यर्थी होंगी। नहीं, जैसे कि पिछली बार की बात करें जिसका भी वेरिफिकेशन चल रहा है तो पहले उसमें कंडीशन दिया गया था कि पिता के आधार पर ही सारा कुछ आपका होना चाहिए महिला अभ्यर्थी के लिए, लेकिन बाद में जब रेसिडेंशियल वाला मामला क्लियर किया गया, सब स्टेट के लिए दरवाजा खोला गया, उस समय यह कंडीशन हटा दिया गया कि आप पिता के थ्रू भी अगर बनाए हुए हैं, पति के थ्रू भी बनाए हुए हैं, वो भी आपका चलेगा, इसलिए मेरे ख्याल से वहां प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। और बाकी आगामी वैकेंसी के लिए तो जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा उसी के आधार पे काम करना है। सर बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हैं, खासकर उनका आधार कार्ड में यदि देखा जाए तो अपने पति का एड्रेस है, लेकिन जब आवासीय बनवाई शादीशुदा लोग तो वो अपने घर वाला एड्रेस डाल दी पिता वाला, उस समय क्या दिक्कत हो सकता है, उनको क्या आधार कार्ड सुधार करवाना चाहिए या एफिडेविट से काम? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आधार कार्ड सुधार करवाने की कोई जरूरत नहीं है, एफिडेविट एक बनवा लेंगे 100% उससे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, जो अभ्यर्थी सर आपको देख रहे हैं चूंकि अभी 21 से लेकर 25 तक सुधार करने का ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और सबसे अधिक भीड़ यदि देखा जाए तो 1 to 5 में ही था, प्रश्न का लेवल भी देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रश्न इसी में पूछा गया था, उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिए? संदेश मेरा साफ है कि सबसे पहले तो इन बात को समझना होगा कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जी तो ये आपके लिए इलेक्शन के कारण ही सही, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि चूंकि अगर रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, दूसरे एग्जाम्स की बात करें, सैकड़ों गुना ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं जी, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 से 10 गुना मैक्सिमम जी 5 से 10 गुना मैक्सिमम आपको अधिक से अधिक कॉम्पिटिशन रहेगा, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होना है। लेकिन जो चूंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो बीपीएससी अपने लेवल को दोबारा से मेंटेन रखने का प्रयास करेगी, खास करके 6 to 8 के लिए 1 to 5 की तरह, इसलिए करके जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 तक एससीईआरटी, लेकिन 9 से लेकर के 12 तक 100% एनसीईआरटी, खास करके एग्जाम्पलर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर देख जाएं, और 11th 12th का एग्जाम्पलर से इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में था तो उसको आप एग्जाम्पलर देखने का कोशिश करें, और कोशिश करें कि 8 से 12 घंटे का भी अगर 2 महीने रूटीन फॉलो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, और ये 2 महीना का टाइम किसी भी तरीके से आप लूज करते हैं तो आपको अफसोस के सिवा दूसरा कुछ नहीं रह जाएगा। सर लास्ट प्रश्न रहेगा, चूंकि अभ्यर्थी का ये प्रश्न था कि क्या प्राथमिक स्तर में यानी 1 to 5 का कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आज एक नोटिस वायरल हो रहा था और वो नोटिस था सिवान का, जिस तरीके से सभी जिला में भेजा जा रहा है और शिक्षा विभाग के द्वारा मांगा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितना शिक्षक है,
और ये नोटिस जो था 1 to 5 का ही था, 1 to 5 उर्दू और ये सभी सामान्य ज्ञान के लिए। तो वहां पे मांगा जा रहा है कि जितना आपके यहाँ स्टूडेंट है उसके अनुपात में, चूंकि 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक चाहिए, क्या उस अनुपात में आपके विद्यालय में टीचर हैं या नहीं टीचर हैं, तो किस सब्जेक्ट के नहीं है, पूरा आंकड़ा मांगा जा रहा है। तो इसका 2 कारण हो सकता है, या इस वैकेंसी में देखा जाएगा चूंकि जिलावार आवंटित करना है वो भी हो सकता है, और यदि 1 to 5 में सीट खाली रहता तो पुनः आने की संभावना रही। एक्चुअली में है क्या कि सबसे बड़ी बात है कि आगे इलेक्शन है जी, इलेक्शन है और सभी चीजें जो भी हो रही है इलेक्शन के मद्देनजर ही हो रही है, इसलिए कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ऐसा सोच भी हो सकता है कि 10,000 ही सही, 15,000 ही सही, और कुछ वैकेंसी 1 to 5 का अगर बच पाता है तो कलेक्ट करके इसमें हम अगर जोड़ पाते हैं तो मैक्सिमम छात्रों को हम संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के मन में थोड़ा सा अभी बीएड वाला प्रकरण के कारण आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस माध्यम से आक्रोश को थोड़ा और कम करने का प्रयास गवर्नमेंट कर सकती है, मे भी कुछ वैकेंसी देखने को मिल भी सकती है। सर, जिस तरीका से 1-2 दिन पहले पेपर में देखा गया या ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया जा रहा है कि जितना भी टीचर अभ्यर्थी हैं उनको सभी को एक साथ गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो क्या यह भी हो सकता है कि 100% सीट को फुलफिल किया जाए? नहीं, जिस तरीके से गवर्नमेंट इस बात को क्लियर किया है, खास करके बीपीएससी चेयरमैन सर भी बोले हैं कि अगर हमको जरूरत पड़ा कट ऑफ कम करने का तो कट ऑफ कम करके भी मैक्सिमम सीट हम फुल करने का प्रयास करेंगे, तो ये संभावना हो सकती है पूरा सीट फुल होने का। इसके बावजूद भी कोई प्रश्न यदि मैं सर से नहीं पूछ पाया तो आप जरूर आपके मन में जेहन में जो प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप एग्जाम टूर में पहले से देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो जरूर प्रेस कर लेंगे। यदि नया अभ्यर्थी है तो आप एग्जाम टूर पर जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।